नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु सिंह, आप देख रहे हैं खबर आसपास। इस समय हम मौजूद हैं नेपाल के कोसी बैराज में और ये वही कोसी बैराज है जो पिछले 24 से 48 घंटों के लिए पूरे बिहार के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी बन चुकी थी, क्योंकि यहाँ का पानी लगातार बढ़ रहा है। हालांकि पानी कुछ धीरे हुआ है, लेकिन अभी भी इसका वेग इतना है कि आने वाले कुछ घंटों में और भी ज़्यादा प्रलय देखने को मिल सकती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिहारी ठाकुर है। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से स्पीड तो अभी कम हुई है लेकिन इतनी कम नहीं हुई है, बारिश जो रुक गया है ना, तो अब लगता कुछ खतरा घटेगा, लेकिन जिस स्थिति का कल जो देखे थे हम लोग आपके चैनल के माध्यम से, तो वो वाली स्थिति अभी नहीं है। लेकिन जगह जगह देखिए पुल का रेलिंग भी तोड़ दिया है, पानी का दबाव भी कुछ कम हुआ है, ऊपर वाले की तरफ से बरसा रुक गया है। मोहम्मद आजाद, कहाँ से आए आप लोग? चैया से आए, इंडिया से आए। यहाँ से निकलना है जी। और क्या बोला जा रहा है? यहाँ बोला जा रहा है घंटा रुको, एक घंटा रुको। ऐसा क्यों बोला? सफाई हो रहा है, वीरेंद्र बाजार सप्तरी जा रहे थे तो यहाँ पर रास्ता रोका गया। अच्छा, अभी देख रहे हैं पानी तो काफ़ी सही स्थिति में बह रहा है, क्या सुबह ज़्यादा बह रहा था? ना, अभी तो सही स्थिति में बह रही है, लेकिन उस साइड में पूरब साइड में थोड़ा कितनी फाटक यहाँ पर कितनी फाटक सभी के सभी खुले सारे फाटक। यहाँ पर आप आए हैं कितने फाटक? छप्पन डोगा छप्पन डोगा खुले। ये जो है इतना लगभग जो बताया जा रहा था कि बाढ़ की जो संभावनाएं हैं, हालांकि पानी तो बहुत ज्यादा निकल चुका है, क्या कहना चाहिए? क्या नाम है अपना? आप भी स्ट्रीमिंग कर रहे हैं क्या? क्या क्या कहना चाहिए? गणपति, ये तो कल ही खुला हुआ था, छप्पन गणपति का कल के जो है वो 8 बजे तकरीबन खोल दिया गया। पानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया कल, और ये तादाद धीरे धीरे बढ़ता रहा, और सुबह 10-11 बजे पानी का और ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा पानी इतना हो गया कि ऊपर से जो पानी बहने लगा था, उसके बाद सुबह में ही अलर्ट कर दिया गया था, दोनों तरफ से रास्ता क्लोज कर दिया गया था, और अलर्ट खासतौर से बिहार के उन जिलों में अलर्ट जारी किया था जिनमें आपको जो कोसी के नदी किनारे जिनका घर है आसपास में, हाँ, तो उन इलाकों में, और उसके बाद नेपाल के जिन क्षेत्रों में करीबी था उन लोगों को, फिर आने जाने का रास्ता बिल्कुल क्लोज था। पानी का जो जहाँ तक बात है 5 लाख से ज़्यादा 6 लाख तक तकरीबन बताया जा रहा था, और हाँ कोसी का जो पानी था सबसे ज़्यादा हाईलाइट में जो है 7 लाख से ज़्यादा होता है, लेकिन उतना क्लोज नहीं कर पाया। इस बीच में रात में तकरीबन आपको कहीं ना कहीं अफवाहें भी चल रही थी कि 10 लाख क्यूसिक पानी छूटेगा। नहीं, ये अफवाह तो नहीं था 10 लाख का, तो हम जहाँ तक हमारी हम भी एक मीडिया से चलाते हैं कि वर्ल्ड न्यूज हमारे चैनल पर, तो ऐसी खबर नहीं फैली थी, लेकिन ये खबर जरूर फैली थी कि इस साइड में आपको कंकाली मंदिर है भारत के पास, वहाँ से 1 किलोमीटर बलुआ गाँव है, वहाँ पर जो है बांध लीकेज हुआ था, बहने लगा था, लेकिन स्थानीय लोग जो वहाँ के करीबी लोग थे वो लोग देखा फौरन आनंद आनंद वहाँ के जिम्मेदारों को बताया, और उस चीज़ को फौरन जो है वहाँ पे मिट्टी ला के और जिस तरह हुआ उसको क्लोज किया, बंद किया गया, तो वहाँ राहत की सांस लोगों ने लिया और जो है पूरी रात हम लोग। अच्छा, देख रहे हैं जिस तरह से लोगों की भीड़ है, काफ़ी भीड़ जमी हुई है, वहाँ से निकलने के लिए क्या लग रहा है? जहाँ तक निकलने की बात है, तो ये बाटों की रास्ते की बात मैं करूँ, तो रास्ते में जो है कचरा बहुत ज़्यादा है, मैं बताऊँ तो कम इतना जो है पुल देख रहे हैं ना, इस पुल के जो ब्रैकेट लगा हुआ इससे पानी बह रहा था, साथ में कचरा आया, उसके बीच में जब जाएंगे आप तो यहाँ पर जो है लकड़ी का ढेर, लकड़ी वगैरह जो है इस पर बहाया हुआ है, साथ में कचरा बहुत ज़्यादा है, पैदल चलने की जगह ही नहीं है। तीसरी बात यह है कि यहाँ पर गीली ज़मीन है, मिट्टी है, जहाँ फिसलने का ज़्यादा डर है, इन्हीं चीज़ को सफाई कर रहा हूँ, जब तक क्लियर हो जाएगा, सर सफाई हो जाएगा, उसके बाद रास्ता खोल दिया जाएगा, और कुछ डैमेज है कुछ जगहों पर, तो जो क्या बोलते हैं कि आपको इंजीनियर है वो लोग देख रहे हैं, अगर ऐसी बात है तो कुछ लेट से खोलेंगे, वैसे संभावना आधा एक घंटे का। हालांकि 56 फाटक खोल दिए गए हैं और पानी का स्तर सामान्य हो चुका है, लेकिन फिर भी कुछ फाटकों से पानी बड़ी ही तेजी से निकल रहा है।
देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले 24 से 48 घंटे किस प्रकार से बिहार में होते हैं। हम कोसी से जुड़ी नई अपडेट लगातार आपको देते रहेंगे। देखते रहे खबर आसपास। जय हिंद।